6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने तुरंत इसे मुकदमा पंजीकृत किया और बच्ची के बताया अनुसार जो दो संदिग्ध अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, और पूछताछ में उन्होंने घटना को स्वीकारा है। जो पूछताछ में उन्होंने बताया, जो दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम में विमलेश जाटो और अभय जाटो, ये दोनों भी थाना मौदुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इन्होंने ये बताया कि उस दिन शाम में शराब के नशे में थे और बच्ची को देखकर इनके मन में जो ख्याल आया उसके कारण इन्होंने ये पूरा का पूरा कृत्य किया है, जो कि बहुत ही गलत और घिनौना कृत्य है। इसमें पुलिस ने सभी साइंटिफिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा करके इनको FSL के लिए भेज दिया है और DNA मिलान के लिए भेजा है, और हम लोग इस विवेचना को त्वरित विवेचना करके 7 दिवस के भीतर इसमें चार्जशीट लगाएंगे और हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि 2 माह के भीतर इसमें सजा हो जाए और जो भी ऐसा घिनौना कार्य कर रहा है समाज में उनके खिलाफ एक मैसेज जाए कि किसी भी ऐसे घिनौने कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।